हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। दोस्तों आप ये तीन बुक देख रहे हैं, पहला है करतार, दूसरा का है एनडीए एनए और तीसरा का है लूसेंट वाला बुक। दोस्तों ये तीनों का सॉल्यूशन कराएगा बारी बारी से। तो पहले लूसेंट का करा दिया जाएगा टोटल सॉल्यूशन, जिसमें आज दोस्तों लूसेंट का कराया जाएगा, जिसमें अलजेब्रा वाला पार्ट पहले कराया जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका पहला पहला चैप्टर है एपी। ठीक है दोस्तों, आज वो कराया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। एपी का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, वन एक्स और माइनस सेवन एपी में हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा टी थ्री माइनस टी टू और टी फोर माइनस टी थ्री से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन है जिसका मेन क्वेश्चन है ये बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, बीच का पद निकलने वाला अथी है, सूत्र है दोस्तों। जैसे बी है मतलब एक्स है और वन माइनस सेवन और ये टू, दोस्तों इसका माइनस थ्री आंसर आ जाएगा। और चलते हैं दोस्त दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है नाइन फाइव वन माइनस थ्री का बीसवा पद ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बीसवा पद ज्ञात, इसका भी एक सूत्र याद कर लीजिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र बस याद कर लीजिए, सब में यही लगेगा। देखिए जैसे पहला ए मानते हैं, ठीक है दोस्तों, ए प्लस इन बीसवा पद दिया है, बीस में से वन जाएगा और डी मतलब पाँच में से नौ जाएगा तो माइनस चार होगा दोस्तों। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, बीस में से उन्नीस, उन्नीस सौ का छिहत्तर होगा, माइनस छिहत्तर यहाँ पे हो जाएगा, छिहत्तर में से नौ जाएगा तो माइनस सिक्सटी सेवन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तीन नंबर क्वेश्चन पे। तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक चार सात दस का बारहवा पद ज्ञात करें। नीचा जगह नहीं है दोस्तों तो ऊपर वाला मिटा के, ठीक है दोस्तों, वाला बनाते हैं। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी वाला, पहला वन, ठीक है दोस्तों, एन मतलब बारहवा पद बोल रहा है तो बारह माइनस वन और डी चार में से एक जाएगा तो तीन हो जाएगा दोस्तों। वन प्लस ग्यारह में ग्यारह तैंतीस, इसका चौंतीस दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव सेवन नाइन इलेवन का कौन सा पद सत्ताईस होगा। दोस्तों ये इसमें भी वही सूत्र लगेगा, ठीक है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डिस, बस इसमें एन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, टी एन का मान मतलब लास्ट दे दिया, सत्ताईस, सत्ताईस बराबर ए कितना दिया है दोस्तों, फाइव, ठीक है, एन पूछ रहा है दोस्तों, एन माइनस वन है, डी का मान दे दिया, सात में से पाँच जाएगा तो दोस्तों दो होगा। ठीक है, वहीं यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं, सत्ताईस, ठीक है, और ये फाइव टू एन और माइनस टू, ठीक है दोस्तों, ये सत्ताईस रहा, पाँच में से दो जाएगा तो दोस्तों तीन होगा, और तीन सत्ताईस में से तीन जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे चौबीस हो जाएगा, और यहाँ पे टू एन यानी एन का मान दोस्तों यहाँ पे बारह आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है तथा क्यूवा पद पी है तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आप जीरो रट लीजिए लोग, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है, और ये आप रट लीजिएगा लोग तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये दो तरह से बन जाएगा, टी टू माइनस टी वन, टी फोर माइनस टी थ्री से भी बन जाएगा, आना तो एक बताइए कि है दूसरा सूत्र बी बराबर ए प्लस सी बाई टू से भी बन जाएगा, या टी टू माइनस टी वन उससे भी बन जाएगा। तो बी वाला मतलब थ्री एक्स हो जाएगा दोस्तों, ए मतलब एक्स प्लस वन, ठीक हैगा, प्लस फोर एक्स प्लस टू अब बाई टू, ये देखिए थ्री एक्स, चार एक पाँच एक्स, तीन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे छः एक्स हो जाएगा, पाँच एक्स प्लस तीन, छः में से पाँच जाएगा तो दोस्तों एक्स बराबर तीन हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली सॉल्यूशन है आपको। बहुत अच्छा दोस्तों, सात नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में साठ पद हैं। ठीक है दोस्तों, साठ पद मतलब एन बराबर सिक्सटी दे दिया है। ठीक है, इस श्रेणी के प्रथम पद तथा अंतिम पद, प्रथम पद दोस्तों एट दे दिया है, टी एन मतलब अंतिम पद दोस्तों एक सौ पचासी दे दिया है। ठीक है, तो इसमें डी निकालना है दोस्तों, पदांतर मतलब डी निकालना है, तो सूत्र एक बता दिए हैं दोस्तों, बहुत ये सब मिल जाएगा दोस्तों, ये एक रट लीजिए, 80% क्वेश्चन इसी पर बनेगा दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी पे ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, टी एन दिया है 185, ठीक है, ए का मान दिया है 8, एन एन के मान सॉरी एन का मान दे दिया है 60 माइनस वन, और डी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, 185, ठीक है, आई 8 प्लस आई 60 में से 59 डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों एक 185 में 8 जाएगा तो दोस्तों 177 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 177 बट्टा 59 नौतरी 27 कितना हुआ दोस्तों, नौतरी सत्ताईस के साथ, ठीक है। और ये नौतरी सत्ताईस के साथ तीन आंसर है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर दोस्तों प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। इस पर ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही आता है। लिखा है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कि किसी एपी का पीवा पद क्यू है एवं क्यूवा पद पी है तो उस एपी का आरवा पद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है लेकिन ऑप्शन आप देख लीजिएगा लोग, लेकिन इसका डायरेक्ट जो प्रोडक्ट होता है वो सी होता है, ठीक है दोस्तों। यानी पी प्लस क्यू माइनस आर, आप इसको रट लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। 9वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां नंबर कि एक एपी का छठा पद 12वां है, पद है क्रमशः 13 एवं 25 है, इस एपी का 20वां पद क्या होगा। मतलब पूछ रहा है, बोल रहा है दोस्तों एपी का छठा पद है मतलब ए प्लस 5d, ठीक है, और 12वां पद ए प्लस 11d, ठीक है दोस्तों। बोला है क्रमशः 13 एवं 25 है, ठीक है दोस्तों, 13 25 है तो एपी का 20वां पद क्या ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये कर देंगे चिन्ह का परिवर्तन, ए से एक कट जाएगा दोस्तों, 11 में से 5 जाएगा तो दोस्तों कितना होगा, 6 5 11 होता है तो माइनस 6d, और ये माइनस 12 होगा, डी बराबर दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और समीकरण 1 ये रहा समीकरण 2, समीकरण 1 में रख देंगे डी का मान आराम से, तो 10 और 13 ए बराबर 3 आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए अब पूछ रहा है 20वां पद, तो 20वां पद पूछने के बताने के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों, जो हम आप लोगों को बता दिए हैं। ए का मान 2 रख दीजिएगा, एन का मान 20वां पद पूछ रहा है तो 20 माइनस 1 है, डी का मान अभी निकालें हम लोग दोस्तों, 2 आया है, ठीक है, और ए का मान 3 आया है दोस्तों, 20 में से एक जाएगा, 19 2 38 होता है दोस्तों, 38 3 कितना होता है 41 आंसर होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक हो तो तीनों पद होंगे, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मतलब ये तीनों का मान कितना दे दिया है दोस्तों, आपका ये तीनों का मान दे दिया है 21, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 21 दे दिया है। और दोस्तों इसको जोड़ेंगे अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 21, तो 3 अल्फा बराबर 21 आएगा, अल्फा बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, अल्फा का मान 7 आ गया। अब दोस्तों अल्फा माइनस बीटा, अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये रखेंगे। अब बोल रहे हैं दोस्तों कि अल्फा कितना अधिक है, आपका तीनों पद और द्वितीय पद 6 अधिक, ठीक है दोस्तों, ये 6 अधिक है, तो दोस्तों पता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा रहता है, तो एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 6। अब जहाँ जहाँ अल्फा है उसका मान दोस्तों आराम से रख देंगे, जैसे अल्फा का मान यहाँ कितना है दोस्तों, यहाँ 49 हो जाएगा और बीटा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ का अल्फा का मान कितना है दोस्तों 7 प्लस 6, ठीक है, 49 माइनस बीटा स्क्वायर ये 7 6 13, ठीक है दोस्तों, 49 माइनस 13 बीटा उन्हें चल जाएगा, ठीक है, तो ये दोस्तों 36 हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर, इस पर रूट चला जाएगा तो बीटा का मान आराम से 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों आराम से। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है एवं उनके वर्गों का योगफल 200 है तो संख्याएं क्या होगी। दोस्तों इसी वैसा ही बनेगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इसका वर्ग बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, पहले तो इसका मान कितना दे दिया है 24 दे दिया है, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे आराम से तो ये आ जाएगा आपका 3 अल्फा और 24, अल्फा बराबर 8 3 24 हो जाएगा, अल्फा का मान 8 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बोल रहा है, वर्ग कर देंगे दोस्तों, सबका वर्ग कर देंगे, इसका इसका वर्ग करेंगे तो अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस
ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोस्तों अल्फा स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है दोस्तों 200, ठीक है दोस्तों। और दो अल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर का मान दोस्तों यहाँ कितना दिया है 64, ये 200, ठीक है। दो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसको अच्छा से बताने के लिए लॉन्ग में ले जा रहा हूँ, 200 में से 64 जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और ये दो इधर चला जाएगा 136 में तो 68 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 68। फिर अल्फा का मान दोस्तों कितना रखना है 64 है, अल्फा अल्फा का स्क्वायर 64 और बीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों 68, और बीटा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 68 माइनस 64, तो बीटा बराबर कितना हो 68 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और इसका बीटा स्क्वायर मतलब इस पर स्क्वायर जाएगा तो बीटा का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहला वो आ गया, दूसरा ये आ गया, कॉमन सम अपना निकाल लीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन दिया है 5, 8, 11, 14 के 22 पदों का योगफल एसेन पूछ रहा है दोस्तों। एसेन, एसेन मतलब वाट, ठीक है दोस्तों। पहला पद कितना दे दिया है 5, एन कितना दिया है दोस्तों 22 दे दिया है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है एन बाई टू, ठीक है दोस्तों, 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है दोस्तों। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको रट लीजिए, ठीक है दोस्तों। इन मतलब इसका हो जाएगा दोस्तों 11, बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 22 बाई 2, ठीक है, और 2 गुने ए का मान कितना दिया है दोस्तों 5, ठीक है दोस्तों। इन इन का मान कितना दिया है 22 माइनस 1, और डी 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 बराबर होता है 8 में से 5 जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ 3 लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है, आराम से हल कीजिए। इसका 11 होगा, 5 दूना 10, ठीक है दोस्तों, 22 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 21 होगा, 21 यहाँ 63 होता है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों 63 में 10 73 हो जाएगा, 73 में 11 से गुना करेंगे तो 3 एकम 30, 7 3 10, 8, ठीक है 803 आंसर आएगा दोस्तों। गुना कैसे किए हैं देखिए दोस्तों, 3 3 एकम 3, पहला में 3 एकम 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, और 7 एकम 7, 7 1, 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये गुना करने का ट्रिक होता है, और अगला ट्रिक वीडियो में बनाएंगे, इसमें भी बता दिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, उस एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा जिसका आरवा पद आर प्लस वन है। तो आर प्लस वन, इसमें दोस्तों आराम से एक पुट कीजिए, एक पुट करते हैं इसको 4 एकम 4, 5 आ जाएगा, और इसमें दो पुट कीजिए आराम से, ठीक है, 4 दूना 8, 9 आ जाएगा, मतलब पहला पद ए आ गया, ठीक है, और डी निकाल दीजिए, दूसरा पद है ए प्लस, तो दूसरा पद निकालिएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका मतलब ए बराबर 5 आ गया, और डी बराबर कितना आ गया दोस्तों 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसका सूत्र होता है दोस्तों पी पदों का योग, मतलब इसका सूत्र वही होता है पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है पी बाई टू, 2 गुने ए 5, पी माइनस वन और डी कितना है दोस्तों 4 आया है, आराम से दोस्तों पी 5 दूना 10, ठीक है दोस्तों, और 4 पी माइनस 4, ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों, पी बाई टू 10 में से 4 देगा तो दोस्तों कितना होगा 6 होगा, अब 4 पी होगा, ठीक है दोस्तों, और इसमें से 2 कमन ले ले आराम से तो 2 पी बाई 2, ठीक है, तो 2 3 6 और ये 2 2 पी, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, 2 से 2 पड़ जाएगा, इसका मेन प्रोडक्ट आएगा 3 प्लस 2 आंसर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन दिया है ए एवं बी का समांतर माध्य, ए मतलब ए के पावर एन, बी के पावर एन, ए के पावर एन माइनस वन है, बी के पावर एन माइनस वन हो तो एन का मान कहते हैं, चुपचाप दोस्तों इसमें एक पुट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी बाई टू इसमें एक पुट कर दीजिएगा दोस्तों, आराम से दोस्तों एक आंसर आएगा, बहुत इजीली सॉल्यूशन है इसका दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21, 18, 15 के कितने पदों का योगफल शून्य होगा, मतलब एशियन शून्य दे दिया है दोस्तों, ठीक है, ए बराबर 21 दे दिया है, ठीक है, और योगफल पूछ रहा है दोस्तों, तो सूत्र तो आपको पता है एन बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, इजक्वल टू 0, मतलब शून्य होगा, मतलब एशियन बराबर शून्य होगा, ठीक है दोस्तों, तो एन बाई टू
दो गुना इक्कीस, ठीक है, और 21 और प्लस, हाँ डी तो डी डी निकालना भूल गए दोस्तों, 18, टी टू माइनस टी वन से डी निकलेगा तो 18 में से तो माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों इसका 3, ठीक है, तो 3 यहीं पे रख दीजिए, माइनस 3 है ना, तो दोस्तों इधर ही माइनस 3 रख दीजिए इन माइनस 1, कोई दिक्कत दोस्तों, डी मतलब इधर ही रख दीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इन बाई 2 21 दो 42 होता है दोस्तों, और माइनस 3n प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, n बाई 2, और देखिए दोस्तों ये 0 0 है, n बाई 2 चुपचाप इधर गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिए 42 को 3 में 45 होता है, और माइनस 3n इक्वल टू 0, ठीक है, 45 बराबर 3n, 15 3 45 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अभी बनाइए दोस्तों। ये 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 7 एवं 9 का समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है प्लस बी बाई 2, तो दोनों का जोड़ दीजिए 7 प्लस 9 और बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 16 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 8 आंसर इसका होगा। 17 नंबर भी वही पूछ रहा है दोस्तों अर्थमेटिक मीन, तो दोनों को जोड़ दें आराम से, ठीक है दोस्तों एक्स माइनस वाई और बाई 2 कर दें तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स भले प्लस एक्स और ये माइनस वाई, ठीक है दोस्तों बाई 2, देखिए दोस्तों वाई वाई कट गया है 2x बाई 2 आराम से 2x आंसर, एक्स आंसर हो जाएगा बहुत इजीली से दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए पी में हो तो ए बटा बी प्लस सी बी बटा सी प्लस ए और सी बटा ए प्लस बी ए पी में है, मतलब पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कि किस में होंगे, ठीक है दोस्तों तो इसमें ट्रायल मेथड लगा लीजिए हिट एंड ट्रायल वाला, ठीक है दोस्तों इसमें क्या होगा ए स्क्वायर को आप मान लीजिए 0, बी स्क्वायर को मान लीजिए आप 4 और सी स्क्वायर को आप मान लीजिए 8 मान लीजिए, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा दोस्तों इसका 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा सी का आपका 2√2 हो जाएगा, कैसे 2√2 मतलब 8 का देख लीजिए कैसे लिखा जाता है 2 × 2 × 2√ में, ठीक है दोस्तों ये स्क्वायर चलेगा इसलिए बोल रहे हैं तो 2√2 इसीलिए 2√2 यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है अब क्वेश्चन भी वही पुट कर दीजिए बहुत इजीली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन पुट कीजिए आप ए पुट कीजिए 0 बी प्लस तो 0 में 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है और बी मतलब बी ना 2 सी प्लस ए सी प्लस मतलब 2√2 2 से 2 कट गया मतलब 1/√2 आया और सी सी में क्या कीजिए 2√2 है, ठीक है ए प्लस बी कर देंगे ए प्लस बी तो 2 आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा मतलब ए आ जाएगा 0 1/√2 और ए कितना आया √2। अब कैसे निकालते हैं दोस्तों t2 − t1 का निकाल दीजिए तो इसमें माइनस कीजिएगा तो 1/√2 आएगा और इसमें माइनस कीजिएगा तो 1/√2 आएगा, ठीक है दोस्तों तो ऐसे ही पुट करके बना दीजिए। 19 नंबर दोस्तों बोल रहा है ए बी सी ए पी में हो तो 1/BC 1/CA या 1/AP किस में होगा, इसमें भी दोस्तों पुट कर दीजिए 1 2 3 क्योंकि 1 2 3 इसलिए बोला है कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है इसलिए 1 2 3 पुट करने का बोले हैं। अब उसमें भी पुट कर दीजिए दोस्तों 1/BC बी और सी मतलब बी और सी 3 × 3 = 6 होगा, ठीक है दोस्तों और सी ए 3 × 3 होगा, ठीक है और ए बी 1/2 होगा तो पहला में से दूसरा घटा दे अगर बराबर आए तो ए पी में है बराबर नहीं है तो ए पी में नहीं है तो 1/3 और 1/6, ठीक है क्या करेंगे तो 6 × 3 = 6, ठीक है 1 मतलब 1/2 इसका भी आ रहा है। अब इसको देखेंगे 1/2 − 1/3 मतलब t2 − t1 वही करेंगे तो 3 × 6 द्वितीय 6 और 3 × 6, ठीक है इसका भी आ रहा है दोस्तों सॉरी 3 × 6 तो 1 × 2 और 2 × 3 = 6 2 × 3 = 3, ठीक है 3 तो 1/6 इसका भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों सॉरी दोस्तों इसमें कुछ गलत किए थे, ये देखिए पुट कर देंगे सेम टू कॉपी वहाँ t2 − t1 घटाएंगे तो बटा का जोड़ गलत था 6, ठीक है 3 × 6 मतलब और 1 मतलब इसका भी 1/6 आएगा अब बराबर 1/2 − 1/3, ठीक है 3 × 6 2 × 3 × 6 मतलब इसका भी 1/6 मतलब दोनों बराबर सेटिस्फाइड हो गया तो अगर ए पी में है, ठीक है दोस्तों तो ये ए पी में है दोस्तों। फिर से मैं बता दूँ
इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, हम लोग एलसीएम में थोड़ा गलत कर लिए थे। देखिए ए बी सी ए पी में हो तो 1/BC 1/CA 1/ इसको देखिए, ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 3 मान लो, इसलिए मान लो कि 2 में से 1 घटा हो तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटा हो गए तो 1 आएगा, काहे कि बोलिए रहा है कि ये पी में है। ठीक है दोस्तों, वही यहाँ भी पुट कर देंगे, वही सेम टू जो बी सी पुट कर देंगे, बी और सी पुट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, बी और सी पुट कर देंगे आ जाएगा वैसे ही, तो 1/6 भी आ जाएगा, और 1/6 मतलब टी टू, इसका भी इसमें इसमें करेंगे घटाओगे तो 1/6 आएगा, इसमें इसको घटाओगे तो 1/6 आएगा, तो ये इसलिए ये ए पी में है दोस्तों। जो 20वां क्वेश्चन है इतना दमदार है, इतना मस्त क्वेश्चन है कि आप अगर लूसेंट में सॉल्यूशन देखेंगे उसका तो बहुत टेढ़ा मेरा दिया, समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि सीधे आपको दिमाग में घुस जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि किसी एपी में पदों की कुल संख्या 2n+1 है तो इसके विषम पद, ठीक है, और योगफल एवं सम पद की योगफल के अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए पहले 2n+1 मतलब ये विषम होता है, 2n+1 विषम का थी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि विषम पद जोड़ लीजिए, 1+3+5+ और ये 7 जोड़ेंगे तो 7 × 10 = 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये विषम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं विषम। ठीक है दोस्तों, और सम वाला अलग जोड़ देंगे, सम वाला को 2+4+6, 6×4=12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसका अनुपात बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, अनुपात इसका अनुपात बोल रहा है तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4:3। यहाँ तक आ गया, अनुपात तक आ गया। अब प्रश्न से, ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। अब प्रश्न से पहले विषम वाला को जोड़ देंगे, सम वाला को जोड़ेंगे और उसका अनुपात कर देंगे तो 4:3 आ जाएगा, मतलब काटेंगे तो 16 / 12 को काटेंगे तो 4:3 आ जाएगा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 2n+1 कितना को पद है, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 2n आ जाएगा आपका, 7 में से 1 = 6, n = 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2n 7 में से 1 = 6 और 3 आ जाएगा। अब ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया है, अब एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन वाला लिख दे। पहला ऑप्शन दिया है n/n+1, n का वैल्यू जो पुट करेंगे, देखिए इसका वैल्यू 3 और ये 4 आ जाएगा, 3:4 गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा का ऑप्शन दिया है आपका n+1/n, ठीक है, n+1 यानी n कितना दिया है 3+1 और n 3, ठीक है, तो 4/3 ये सही हो गया दोस्तों। कहे कि 4/3 यानी 4:3 आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए 4:5 और विषम को जोड़ते हैं तो 4:3 आ जा रहा है, यहाँ भी 4:3 आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 2 नंबर सही है, 3 और 4 तो करबे नहीं करेंगे, हुकबे नहीं करेगा, 2 नंबर बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला यदि किसी एपी के पदों का कुल संख्या 2n+1 कुल संख्या, ठीक है, 1 से 7 तक मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, और उसमें सम वाला को अलग करें, विषम वाला को अलग जोड़ देंगे, सम वाला को अलग जोड़ देंगे, उसका योगफल बोला है ना, योग दोनों का, सम वाला का योगफल और विषम वाला का योगफल, ठीक है, उसको जोड़ देंगे तो विषम वाला को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, सम वाला को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और उसके अनुपात बोल रहा है तो 16 बराबर 12 में करेंगे तो 4:3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न से ये वाला क्वेश्चन 2n+1 उठाएंगे और कितने के बराबर है, 7 वो संख्या है तो 7 के बराबर है, 2n+1 = 7, इसको कटेंगे तो n का मान 3 आ जाएगा। अब ऑप्शन दिया है n/n+1 तो 3/4 जो कि गलत है, क्या कि 4:3 आना चाहिए। दूसरा का ऑप्शन उठाएं n+1/n तो 3+1/4, ये तो सही हो गया 4:3, तो परफेक्ट, बहुत अच्छा ही ट्रिक है, समझ लीजिएगा लोग, तो इतना आसान है ये, तो लूसेंट में जो सॉल्यूशन दिया है इतना घटिया सॉल्यूशन दिया है, आप देख लीजिए कितना घटिया सॉल्यूशन दिया है, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए कितना ऐसे करके दिया है, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, सम पदों का ये करके 2D मान लिया है, 2D ये वो करके बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, 21 नंबर है, 100 एवं 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है परंतु 21 से विभाजित नहीं है। दोस्तों आराम से पहले 100 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 7 × 28 14 बार में आ रहा है। ठीक है, तो 1 का 14 आ रहा है,
ठीक है 14, और फिर 500 में भाग देंगे, 500 में 7 से भाग देंगे, तो 749 71 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 71 आ जाएगा, ठीक है 71, दूसरा 71 आ रहा है, ठीक है 500 में भाग दिए तो। अब दूसरा का क्या कर रहा है, दूसरा का अब किससे भाग देना है, 21 से भाग देना है, तो 100 में 21 से भाग देंगे दोस्तों, 21 चौका 184 हो जाएगा चार बार, और फिर 500 में 21 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो 21 दूना 42 ठीक है दोस्तों, कट जाएगा 880, 21 दूना 42 21 63 24 21 63 23 बार। ठीक है दोस्तों, तो एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 23, ठीक है बहुत ईजी है दोस्तों। 71 में 14 घटाएंगे, 71 में 14 घटाएंगे दोस्तों 57 माइनस, मतलब 71 माइनस 14 57 हो जाएगा, 23 में से 4 जाएगा तो 19 हो जाएगा, 57 में से 19 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। ये सोल्यूशन दोस्तों लूसेंट में नहीं दिया है, ऐसा सोल्यूशन बहुत ईजी सोल्यूशन है, बहुत मतलब कि बहुत कम समय में आपका बन जाएगा दोस्तों। 100 में पहले 7 से भाग देंगे तो 14 बार में लगेगा, फिर 500 में 7 से भाग देंगे तो 71 बार में लगेगा दोस्तों, ठीक है 71 में से 14 मतलब बड़का में सबसे बड़का में छुटका काटेंगे 57 आ जाएगा, इसमें भी वही करेंगे 23 में से 4 घटाएंगे तो 19 आएगा, अब दोनों 57 में से 19 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी सोल्यूशन है ये वाला, कहीं आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये सोल्यूशन, देख लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है 22 नंबर, किसी एपी के पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर हो तो उस एपी के पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आप लिख लीजिए, 0 होता है, ठीक है ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 0 आएगा और ये प्रोडक्ट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। किसी एपी के पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के गुणन के बराबर हो उस एपी के पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। सेम 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी पे है दोस्तों, किसी एपी के पी पदों का योगफल क्यू हो एवं क्यू पदों का योगफल पी हो उस एपी के पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। दोस्तों इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लोग रट लीजिए, पी प्लस क्यू जो 22 नंबर क्वेश्चन था सेम इसी पे बनता है, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिए। सूत्र भी है, किसी एपी के पी पदों का योगफल क्यू हो एवं क्यू पदों का योगफल पी हो तो उस एपी